आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। ये चांदनी का पौधा है, इसको क्रेप जैस्मिन भी कहते हैं। इस पर पूरे साल फ्लावरिंग होती है और जब इस पर फ्लावरिंग होती है तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये एक हार्डी प्लांट है, इसको बहुत ही कम केयर की जरूरत होती है। इसको आप जमीन में और पॉट में दोनों तरह से लगा सकते हैं। जमीन में यह तेजी से ग्रोथ करता है, इसमें आप कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, किसी भी तरह का कंपोस्ट दे सकते हैं। यह ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। इसको ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। इसको कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं कि हम चांदनी को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम इस पौधे से कुछ कटिंग लेकर उनको ग्रो करेंगे। ये हमने कुछ कटिंग ली हैं। कटिंग ज्यादा मोटी नहीं लेनी है, पतली पतली कटिंग लेनी है जो कि डार्क ग्रीन कलर की होनी चाहिए। इसकी छोटी छोटी कटिंग भी आसानी से ग्रो की जा सकती है। पहला तरीका, इन कटिंग को आप पानी में डालकर भी ग्रो कर सकते हैं। इनको हम सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। रूटिंग पाउडर लगाकर ब्रांच को सॉइल में इस तरह लगा दीजिए। सैंड में भी इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। सैंड में होल बनाकर कटिंग में रूटिंग पाउडर लगाकर इस तरह सैंड में दबा दीजिए। अब इनमें वाटरिंग करेंगे। इनको हवा और तेज रोशनी वाली जगह में रखना है। कटिंग को सुखाना नहीं है, एक दिन छोड़कर या रोज वाटरिंग करनी है। जो कटिंग हमने पानी में लगाई है उनको हर दो दिन बाद पानी चेंज करना है। अब मिलते हैं एक महीने बाद। आज इनको एक महीना हो गया है। जो कटिंग हमने पानी में ग्रो करी थी वो सभी खराब हो चुकी हैं और इन दोनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और इन पर फ्लावरिंग भी हो चुकी है। देखिए, ये वही प्लांट हैं जिनको हमने सॉइल में ग्रो किया था। इसमें रूट बनना भी शुरू हो गई हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट हो गई हैं। इनमें एक ब्रांच खराब भी हो चुकी है और एक ग्रो हो रही है। जो प्लांट हमने सैंड में ग्रो किया था उसमें दोनों ही कटिंग ग्रो हो रही हैं और इसमें सॉइल से भी ज्यादा बड़ी बड़ी रूट निकल आई है। कुछ ही दिनों में इनमें फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाएगी। अब आप इनको किसी बड़े पॉट में या गार्डन में लगा सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के समय इनकी रूट को छेड़छाड़ नहीं करनी है। ब्लेड की सहायता से ग्लास को कट कर देंगे, इसको सॉइल में लगा देंगे और हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। चांदनी की कटिंग को बरसात में बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।